इन सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2021 को पटवारी भर्ती आयोजित की गई है, जिसमें पहली पारी में 150 प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट में इंडिया जी के जनरल साइंस और करंट अफेयर पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमने हिंदी और इंग्लिश से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम तीसरे पार्ट में कंप्यूटर और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हैंडों में, वेक्टरों में, सेक्टरों में या क्लाउड में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेक्टरों में। जी हाँ दोस्तों, सेक्टरों में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट और डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, विशिष्ट कुंजी, फलन कुंजी, मानक कुंजी और संचालन कुंजी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट कुंजी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 है, कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, DUV, CCTV, UVD, इसके अलावा VDU। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, VDU। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109। आप फाइलों को किस में जो है भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, फोल्डरों में, इकाइयों में, इंडेक्सों में या सूचियों में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फोल्डरों में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है। एमएस वर्ड एक उदाहरण है निवेश युक्ति का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रक्रमण युक्ति का या प्रचालन तंत्र का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र का है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइवेट प्रचालन तंत्र, विंडोज प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रचालन तंत्र, CPU, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रचालन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र को हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 113 है, पुराने MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8। जी हाँ दोस्तों, 8 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114, जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर पुनः चालू करना। जी हाँ दोस्तों, बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को पुनः चालू करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116। दोस्तों, प्रश्न संख्या 116 है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 117 है, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य या व्यू उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक्सट्रीम एनिमेशन। जी हाँ दोस्तों, एक्सट्रीम एनिमेशन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119, रैम के लिए निम्न में क्या सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि सत्य नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 120, जो कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों में लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद में हम राजस्थान जी के संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, स्कैनर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम जो 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं।
पहला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सवाई मान सिंह। जी हाँ दोस्तों, सवाई मान सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। तीसरा है, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों यदि हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो। जी हाँ दोस्तों, एक और दो इसमें बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त और जो है लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मीनाकारी, जयपुर, अजरक प्रिंट, सांगानेर, टेराकोटा शिल्प, मौलीला, थेवा कला, प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अजरक प्रिंट जो कि सांगानेर जो कि बिल्कुल सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। बटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़, मेनाल, अजमेर, ओसिया, जोधपुर, कैलाश देवी का मंदिर, करौली, आपको बताना है चारों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मेनाल वाला गलत है, मेनाल जो कि अजमेर में दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राव कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, राव कृष्ण सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 126 है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। तो दोस्तों तीन कथन दे रखे हैं, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। दूसरा है, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। तीसरा है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो दोस्तों सही कथन यदि हम देखें तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें एक और तीन जो है सही उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, एक और तीन जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो दोस्तों चार दे रखे हैं, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, झालोर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। आपको बताना है निम्न कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सिरोही, पाली और झालोर। चले फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 243। जी हाँ दोस्तों, 243 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लालदास। जी हाँ दोस्तों, लालदास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उदयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उदयपुर इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 2, 1, 3, 4, जिसमें बटनेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेर जो है गिरी का युद्ध, इसके अलावा हल्दीघाटी का युद्ध। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 133 है, निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
एक दो व तीन, जिसमें राम सिंह तंवर राम शाह और बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है, तो दोस्तों चार ऑप्शन खडनाल, आसिंद, कोलू, ददरेवा। तो दोस्तों आप सभी को पता है तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है ऑप्शन ए खडनाल, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है वल्लभपन द्वारा, रामस्नेहीपन द्वारा, सतनामपन द्वारा या परनामीपन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामस्नेहीपन द्वारा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो दोस्तों चार ऑप्शन अनुच्छेद 162, 265, 164, 207। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 164। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों 34 और 25 इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138। मुंडियार विख्यात का विषय है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मारवाड़ के राठौड़। जी हाँ दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ जो है इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, तो दोस्तों अप्रैल 2006 को। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अप्रैल 2006। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 140 है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तृतीय चरण 25 मार्च 1949। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2021 में किसे सम्मानित किया गया है अभी पद्मश्री सम्मान से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इन सभी को। जी हाँ दोस्तों अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, इन सभी को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीके व्यास। जी हाँ दोस्तों जीके व्यास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 143। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए 14 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एरिनपुरा छावनी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों वे मेवाड़ के निवासी थे ऑप्शन सी जो कि गलत दे रखा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 147 है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया या खेल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोक नृत्य इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल को। जी हाँ दोस्तों राज्यपाल को इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों महाराणा कुंभा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में यदि व्यवस्थित करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ए सी बी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें जरगा, दिलवाड़ा, शेर और गुरु शिखर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पार्ट थ्री में जो कंप्यूटर और राजस्थान जी के संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम पार्ट फोर में मैथ और रीजनिंग से संबंधित 23 अक्टूबर को जो पहली पारी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।